हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11th के प्रैक्टिकल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 11 के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के बारे में। चैप्टर नंबर 11th का नेक्स्ट प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम नंबर 10 है कि प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम अभी यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कैसे करें उसके बारे में देखें। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहली लाइन हैज इंक्लूड stdio.h यानी कि हेडर फाइल इंक्लूड करा दी। वर्ड मेन हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन मेंशन कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो हम यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर यूज करेंगे, यानी कि जो भी नंबर है वो यहाँ पे वो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो अनसाइंड कीवर्ड के साथ हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि इंटीजर मेरी यहाँ पे डेटा टाइप है एंड नंबर मेरा वेरिएबल का नाम, और नंबर को यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ कि नंबर इज इक्वल टू 10। फिर अब हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि यूज ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर विद द डिसीजन स्ट्रक्चर इफ। तो हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट के साथ। तो देखिए कि इफ और ब्रैकेट के अंदर हम चेक करा रहे हैं कि नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो मैंने यहाँ पे नंबर की वैल्यू डाली हुई है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉड्यूलो साइन का यूज किया है। दैट्स व्हाई मैं रिमाइंडर चेक करूंगा कि क्या वो रिमाइंडर 0 मिलता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के ये जो ट्रू पार्ट के अंदर मैंने जो कुछ लिखा हुआ है प्रिंट एफ स्टेटमेंट वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। यानी कि कमेंट सेक्शन में जो लिखा है कि विल प्रिंट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन मेरी जो है वो ट्रू हो जाएगी, अगर नंबर को ये नंबर की वैल्यू जो यहाँ पे है नंबर नाम के वेरिएबल में वो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और मुझे वहां पे रिमाइंडर अगर 0 मिल जाता है तो मुझे मैसेज प्रिंट कराना है कि प्रिंट है इवन नंबर, यानी कि जो नंबर मैंने डाला हुआ है वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। और एल्स पार्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंट है स्लैश एन करके वहां पे लिखा हुआ है ऑड नंबर, यानी कि अगर ये कंडीशन मेरी जो है वहां पे वो फॉल्स हो जाती है तब जाकर एल्स पार्ट में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट क्या होगा, वहां पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करें और चेक करके आउटपुट देखें तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में मिलेगा इवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि मैंने 10 नंबर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पहले से डाला हुआ ही है। मैं जितने भी बार प्रोग्राम को रन करूंगा मुझे सेम आंसर मिलेगा इवन नंबर, क्योंकि हर बार वो 10 मॉड्यूलो 2 करके मुझे आंसर मिलेगा 0, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करो तो वहां पे मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 0, तो वहां पे वो इवन नंबर आएगा। अब मैं यहाँ पे नंबर की वैल्यू चेंज करके मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ और प्रोग्राम को सेव करने के बाद अगेन कंपाइल करके मैं यहाँ पे उसको रन करूंगा, तब ये जो इफ के अंदर मैंने जो कंडीशन लिखी है कि नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 वो मेरी अब क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 15 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर वहां पे 1 मिलेगा। तो मेरा जो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यानी कि इफ के अंदर ये जो ट्रू स्टेटमेंट जो मैंने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे ये कंडीशन सीधी रॉन्ग हो जाएगी। तो सीधा एल्स पार्ट के अंदर मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट वहां पे प्रिंट होगा, यानी कि अब मुझे आंसर वहां पे मिलेगा कि ऑड नंबर। तो अब चेक करें प्रोग्राम को कंपाइल करके यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि आउटपुट आपको वहां पे मिल रहा है ऑड नंबर। तो आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप दो तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी असाइन करा दी है। आप यहाँ से हर बार यूजर से वैल्यू मंगवा सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ और लिख दो कि प्रिंट एफ करके यूजर से वैल्यू मंगवा दो कि एंटर दी नंबर, और स्कैन एफ से उसको एंटर करा दो, और फिर हर बार यूजर्स वैल्यू एंटर करेगा और ये कंडीशन क्या करेगा वो चेक करेगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ दो ही लाइन लिखनी है एक्स्ट्रा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंटर द वैल्यू ऑफ यूजर्स करके वो यूजर्स के वैल्यू मंगवा दो, और स्कैन एफ फंक्शन से परसेंटेज डी कॉमा करके यहाँ पे नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा दो। तो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो वहां पे वो स्कैन एफ फंक्शन से स्टोर करेगा, एंड देन आफ्टर ये कंडीशन चेक कर कर आपको वहां पे आंसर मिलेगा कि आइदर द एंटर नंबर इज इवन और ऑड। तो आप उसी हिसाब से प्रोग्राम में माइनर सा अपडेट अपने हिसाब से कर सकते हो।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में आपको, और ये नंबर आपको इवन है या फिर ऑड है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोग्राम समझाया गया, तो उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 का हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, यानी कि प्रोग्राम नंबर 11 की प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे आप प्रोग्राम के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कैसे करें उसके बारे में आप देखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला हैज इनपुट stdio.h वॉइड मेन करके हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम को इनिशियलाइज स्टार्ट कर रहे हैं कि इंटीजर करके, यानी कि मेरी डेटा टाइप, और यहाँ पे मैं तीन अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड मिनिमम। फर्स्ट वेरिएबल को मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करा दी 100, सेकंड नाम के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करा दी मैंने यहाँ पे 50। अब यहाँ पे मिनिमम नाम के वेरिएबल के अंदर मैं कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि कंडीशन है कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक कराऊंगा, यानी कि फर्स्ट लेस देन इक्वल टू सेकंड। तो ये मेरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मेरी जो है अगर वो ट्रू हो जाएगी, तो यानी कि ये जो फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा, और अदरवाइज ये कंडीशन मेरी जो है रॉन्ग हो जाएगी, तो यहाँ पे जो सेकंड लिखा हुआ है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ऐसा समझ लो कि ये मेरा ट्रू पार्ट है और ये मेरा फॉल्स पार्ट रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे वो चेक करा रहे हैं। तो ये मेरी कंडीशन क्या हो रही है कि इफ फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, लेस देन और इक्वल टू सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू देखो 100 है और सेकंड की वैल्यू 50 है। तो आप ऐसा चेक करा सकते हो कि इफ इज 100 लेस देन और इक्वल टू 50, तो वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कि ये मेरा जो सेकंड, यानी कि जो लिखा हुआ है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि सेकंड नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वहां पे क्या होगी, एग्जीक्यूट यानी कि प्रिंट होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू इज परसेंटेज डी, यानी कि दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे परसेंटेज डी, यानी कि मिनिमम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है वो वहां पे क्या होगी, स्टोर होगी। तो एज पर मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे 50, क्योंकि मेरी कंडीशन रॉन्ग हो रही है और सेकंड के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे मिनिमम के पास भी आने वाली है। तो प्रोग्राम को कंपाइल कर हम यहाँ पे आउटपुट देखें, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू इज 50। अब इसी प्रोग्राम के अंदर अपडेशन करें और यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू में यहाँ पे अब मैं चेक करा दू और यहाँ पे मैं कर दू 45, और प्रोग्राम को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो अब कंडीशन चेक करें सीधा कि मिनिमम इज इक्वल टू फर्स्ट लेस देन इक्वल टू सेकंड। तो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि क्या 45 वैल्यू यहाँ पे 50 से या फिर 50 से कम है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन राइट हो जाएगी, क्योंकि मेरा 45 वैल्यू जो है वो 50 से यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो 45, वो मिनिमम नाम के वेरिएबल को वो असाइन हो जाएगी, और यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू इज, यानी कि इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे वो प्रिंट करवाना था। तो यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगा 45। कंपाइल करके रन करके देखें तो आप देखोगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू इज 45, यानी कि उन दोनों में से मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 45 है। ओके, तो आप इसी हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमाइज कराना हो तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करके कंडीशन यहाँ पे चेक करा दो, तो भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे करा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था कि कंडीशनल ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हो। अगेन याद रखना इन शॉर्ट कि जो आपका ये फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है वो आपका कंडीशन है। आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखकर आप यहाँ पे चेक करा सकते हो। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपके जो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे आप जो लिखोगे, यानी कि आपका जो ट्रू स्टेटमेंट है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो कॉलन के बाद आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यानी कि अगर ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हो रहा है आपकी कंडीशन तो लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है। तो आई होप कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको जो कुछ भी समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर 11 का 12th प्रोग्राम है कि प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। हमने थियोरी पोर्शन में देखा था कि तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट।
तो हम यहाँ पे लॉजिकल एंड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम यहाँ पे डबल एंड के साइन से हम डिनोट करेंगे, यानी कि ये ऑपरेटर लॉजिकल एंड कहलाएगा। चलिए प्रोग्राम को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहली लाइन हैज इंक्लूड stdio.h, यानी कि एक हेडर फाइल इंक्लूड करा दी। यहाँ पे वॉइड मेन लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इंटीजर नाम की डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है यहाँ पे परसेंटेज, और उसको मैंने वैल्यू असाइन करा दी है 55, यानी कि यहाँ पे इनबिल्ड वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज की 55 मैंने असाइन कराई है। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि वेरीफाई दी वेदर परसेंटेज इज बिटवीन 0 एंड 100 यूजिंग दी एंड ऑपरेटर, यानी कि हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर से चेक करेंगे कि यहाँ पे जो परसेंटेज की वैल्यू डाली हुई है वो क्या 0 एंड 100 के बीच में है। तो हम यहाँ पे कंडीशन से चेक करा रहे हैं कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि 0 से 0 या 0 से ज्यादा या फिर 100 या फिर 100 से कम है, वो हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे इफ पार्ट के अंदर जितने भी पोर्शन लिखे हुए वो वन बाय वन चेक होते जाएंगे डिपेंडिंग क्राइटेरिया। अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती है या फिर मैंने परसेंटेज की वैल्यू मोर देन 100 लिखी है या फिर माइनस के अंदर कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे सीधा एल्स पार्ट के अंदर ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट 2 लिखे हुए हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चलिए फिलहाल हम लाइन टू लाइन जाए, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे इफ पार्ट के अंदर ये सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो क्या हमने जो परसेंटेज एंटर किए है क्या वो 70 से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसके अंदर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, डेट इज प्रिंट एफ डबल कोट में स्लैश एन यू हैव सिक्योर ए ग्रेड, यानी कि मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि यू हैव सिक्योर ए ग्रेड। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज लेस देन 70, यानी कि जो भी परसेंटेज की वैल्यू है वो 60 या 60 से ज्यादा है या फिर 70 से कम है, वो यहाँ पे वो चेक करेगा। तो यहाँ पे आएगा कि प्रिंट एफ स्लैश एन यू हैव सिक्योर अ बी ग्रेड, तो मैसेज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। अगर 60 के 70 के बीच में होगा तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा कि यू हैव सिक्योर बी ग्रेड। फिर अगेन एक कंडीशन चेक कराए कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड परसेंटेज लेस देन 60, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा कि यू हैव सिक्योर सी ग्रेड। तो यहाँ पे अगर आपने परसेंटेज की वैल्यू जो भी है वो 35 या 35 से ज्यादा या फिर 60 से कम है तो मैसेज प्रिंट होगा कि यू हैव सिक्योर सी ग्रेड। और अगर परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे लास्ट कंडीशन में अगर हमने 35 से कम रखी है, यानी कि परसेंटेज लेस देन 35, तो वहां पे मैसेज प्रिंट होगा कि यू हैव सिक्योर एफ ग्रेड। ओके, और अगर हमने पहले ही देखा कि अगर यही कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो ये कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा एल्स पार्ट के अंदर ये जो दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखे हुए वो सीधा डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चलिए इसका हम आउटपुट देखें, तो सबसे पहले कंपाइल करके चेक करें, हमारी परसेंटेज की वैल्यू 55 है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू आएगा कि यू हैव सिक्योर सी ग्रेड। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा यू हैव सिक्योर सी ग्रेड करके आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्योंकि हर बार आप जब भी एग्जीक्यूट करोगे हर बार आपको सी ग्रेड ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने डाली हुई है 55। ओके, अब हम यहाँ पे देखें कि यूजर्स वैल्यू डाले परसेंटेज का तो हम कैसे यूज करें। तो सबसे पहले ये जो हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल उसको यहाँ पे कमेंट में ले लें और नई लाइन से अगेन वेरिएबल डिक्लेयर कर दे जाए कि इंटीजर परसेंटेज। फिर नेक्स्ट लाइन से प्रिंट एफ स्टेटमेंट में यूजर से वैल्यू मंगवाएंगे कि प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर एंटर द परसेंटेज, तो यूजर्स यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू एंटर करेगा और ये जो वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे स्कैन एफ स्टेटमेंट से क्या करेंगे स्टोर कराएंगे इन द परसेंटेज वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल इंटीजर है इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे और कॉमा करके यहाँ पे एंड की साइन यूज कर यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यानी कि जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है वो वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे दोनों में सेमीकोलन, यहाँ पे रह गया था सेमीकोलन लिख दिया। अब यहाँ पे सीधा प्रोग्राम को सेव करेंगे और अगेन कंपाइल कर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डालना स्टार्ट करें, मैं यहाँ पे 85 डालूंगा, यानी कि मोर देन 70 वैल्यू यहाँ पे मैंने परसेंटेज की डाली। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ मुझे आंसर मिलेगा यू हैव सिक्योर ए ग्रेड। अगेन यहाँ पे
रन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वैल्यू 35 से, सॉरी लेस देन 35 डाले, तो यहाँ पे वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 24, तो मुझे आंसर मिलेगा यू हैव सिक्योर अपग्रेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है 35 से कम होगा तो अपग्रेड होगा। अब मैं यहाँ पे वापिस से कंपाइल करके रन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू, यानी कि -85, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा जो एज पर में लिखा था कि यू हैव एंटर रॉन्ग वैल्यू एज अ परसेंटेज, प्लीज एंटर द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100। तो वैसा करके आपको वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन जो हम चेक करा रहे थे वो हमारी वहाँ पे रॉन्ग हो रही है, तो सीधा वो इतना पोर्शन स्किप कर कर एल्स पार्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो वहाँ पे प्रिंट करेगा। और अगेन एक बार लास्ट में वापिस से प्रोग्राम रन करे एंड मोर देन 100 वैल्यू वहाँ पे डाल के चेक करे, तो भी आपको वहाँ पे एरर मैसेज दिखाई देगा कि यू हैव एंटर द रॉन्ग वैल्यू, क्योंकि 126 इज मोर देन 100, सो आपको यहाँ पे एल्स पार्ट में लिखे हुए प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 11 का 12th प्रोग्राम, कि जिसके अंदर हमने लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज करना है ये हमने देखा, और यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया है क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड किया। अगर दोनों में से कोई भी एक यूज करनी होती तो मैं यहाँ पे लॉजिकल और का यूज करता। तो आई होप कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको जो भी कुछ समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर 11 के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।